हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस क्वेश्चन ऑफ डे में हम एक सवाल करेंगे मिक्सर और एलिगेशन का। बहुत अच्छा सा सवाल है। कई बार इस सवाल की वर्डिंग को पढ़ करके लगता है कि सवाल में बहुत कुछ खास है, या फिर सवाल कहते हैं कि बहुत कुछ हाई लेवल का है। ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कैसे करेंगे इसे, आपको समझाता भी चलूँगा मैं, और कैसे इसको सॉल्व करना है ये भी आप समझेंगे। लिखा हुआ है कि टू बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35% 33.33% फुल ऑफ ऑरेंज जूस। दो बॉटल्स हैं, दोनों की सेम कैपेसिटी है। सेम कैपेसिटी का मतलब कि अगर एक बॉटल 1 लीटर की है तो दूसरी भी 1 ही लीटर की है, लेकिन उसमें ऑरेंज का जो कंसंट्रेशन है ऑरेंज जूस का अलग अलग है। पहले में 35% ऑरेंज है, दूसरे में कह सकते हैं 1/3 ऑरेंज है। दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली विथ एप्पल जूस एंड देन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द बॉटल्स इम्पटेड इन टू अनदर वेसल। कि अब मान लीजिए 35% ऑरेंज है, बाकी का जो 65% बचा करेंगे उसके लिए हमने एप्पल जूस डाल दिया। इसी तरह उधर 1/3 भरा हुआ है तो 2/3 हमने एप्पल जूस डाल दिया, बॉटल को पूरी फुल कर दिया। ऐसा करने के बाद दोनों ही बॉटल्स को एक तीसरे वेसल में हमने पोर कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर इज, कि अब जो नया वेसल है उसमें एप्पल का जो परसेंटेज है या फिर कंसंट्रेशन है वो कितना है, ये आपको बताना है। तो आसान सा सवाल है बिल्कुल। हमको पता है, ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए दो तरह की बॉटल्स हैं। वैसे क्वेश्चन में कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा जो ऑरेंज जूस है वो कितना है, 35% है। 35% का मतलब क्या होता है बेटा, 7/20। मतलब इसमें 7 होगा ऑरेंज जूस तो 13 होगा क्या, एप्पल जूस। इतनी सी बात है बस। दूसरी बॉटल है जिसमें 33.33% क्या है, ऑरेंज जूस है, मतलब 1/3। तो 1/3 का मतलब अगर 1 होगा ऑरेंज तो 2 होगा एप्पल जूस। तो ऐसा आप यहाँ पे रख लो। अब आपसे कह रहा है सेम कैपेसिटी है, तो ये कैपेसिटी को हम सेम बनाते हैं, अभी तो है नहीं। तो अगर मैं टोटल करूँगा तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। ये कितना आएगा, 3 आएगा। अब कैपेसिटी को सेम कैसे बनाएंगे, कि हम 3 का गुणा यहाँ कर लें और 20 का गुणा यहाँ कर लें, तो ये 60-60 हो गया, टोटल कैपेसिटी सेम हो गई। तो 3 का गुणा ऊपर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 39, और ये क्या हो जाएगा आपका, 21। यहाँ पे आप 20 का गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा, 40, और फिर ये क्या हो जाएगा, 20। ये क्या है, एप्पल, और ये क्या है, ऑरेंज। अगर हम दोनों के दोनों को पोर करेंगे किसी थर्ड वेसल में, तो अगर हम ऑरेंज को देखेंगे तो ऑरेंज कितना हो जाएगा, 79, एप्पल 79, ऑरेंज कितना हो जाएगा, 41। मतलब ये इनका अब नया रेशियो आया है। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि रेशियो क्या है, आपसे कह रहे कि एप्पल कितना परसेंटेज है। अब यहाँ पे देखिए बात, एप्पल की अगर हम बात करें तो कितना है, 79 है, और टोटल कंसंट्रेशन कितना है, तो वो है 120। भाई 60 इसका, वो 120 या फिर इन्हीं दोनों को जोड़ लो आप, इनटू में क्या कर दीजिए आप, 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए। अब 12 से अगर इसे हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 72 होगा, और ये यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, 12 × 5 = 60 होगा, फिर 8 बार जाएगा, मतलब 65.8 समथिंग परसेंट आएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सवाल को करना होता है, समझना भी होता है क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगर यहीं पे 79% लिखा होता एक ऑप्शन, तो ज़्यादातर बच्चे इसी को टिक कर दे, 79 तो आ रहा है, 79% आ गया, वही टिक कर देते हैं। अगर परसेंटेज में बात पूछी जा रही है तो परसेंटेज में बताइए, रेशियो में बात पूछी जा रही है तो रेशियो में बताइए, कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है तो कंसंट्रेशन की बात करिए। और यहाँ पे एक जो दूसरी गलती करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं कि 79 को डिवाइड कर लेते हैं 60 से। वो एक गलती ये भी होती है, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, कहते हैं 79/60 है, वो भूल जाते हैं कि बेटा 60 तो यहाँ का यूनिट है और 60 यहाँ का यूनिट है। इनकी कोई कॉमन यूनिट नहीं है कि दोनों को मिला करके 60 लीटर नहीं बनाया गया, एक 60 लीटर तो दूसरा भी 60 लीटर, ऐसे है चल रहा। तो ये था आपका सवाल। अगर आपको ये सवाल समझ में आया, पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इस तरह के और आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तरीके सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा क्वांट का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम प्रीलिम से मेंस तक के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और सारे टाइप्स कर रहे हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो स्टडी स्मार्ट की ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।